हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एनोनिमस वर्ल्ड। हम तो हमारे 100 सब्सक्राइबर बस होने वाले हैं, तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अकाउंट लीक्स के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जितनी भी सोशल मीडिया वेबसाइट्स या एडिटिंग वेबसाइट्स या किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, तो अधिकतर वेबसाइट हमें वहाँ पर अपना अकाउंट रजिस्टर करने के लिए बोलती है, हमें वहाँ पर साइन अप करना पड़ता है। तो ऐसा बहुत बार होता है कि वो वेबसाइट कि डेटाबेसेस लीक हो जाते हैं, ब्रीच हो जाते हैं, हैकर्स उनके डेटाबेसेस पे एक्सेस पा लेते हैं। तो क्या हमारा ईमेल आईडी और पासवर्ड भी उनमें शामिल है? क्या हमारा ईमेल आईडी पासवर्ड भी कभी एक्सपोज हुआ है इंटरनेट पे? तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा ईमेल आईडी या पासवर्ड कभी एक्सपोज हुआ है इंटरनेट पे। तो चलिए शुरू करते हैं। चेक करने के लिए आपको सिंपली अपना ब्राउज़र ओपन करना है और वहाँ पर आपको सर्च करना है हैव आई बीन पाउंड। पाउंड का मतलब होता है कंट्रोल्ड या फिर कॉम्प्रोमाइज्ड। तो उसके बाद आपको सबसे पहली वेबसाइट पर जाना है। यहाँ पर आपका ईमेल एड्रेस डालकर अपना चेक करना है। नीचे यहाँ पर सारी डिटेल्स दी हुई है, लार्जेस्ट ब्रीचेस या फिर अभी रिसेंटली कौन से ब्रीचेस हुई है, कितने अकाउंट्स आज तक ब्रीच हुए हैं, यहाँ पर सारी डिटेल्स अवेलेबल है। तो यहाँ पर आप अपना ईमेल आईडी डालकर चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल रहा हूँ। तो मेरा ईमेल आईडी एक बार कॉम्प्रोमाइज्ड हो चुका है, फाउंड ऑन वन ब्रीच साइट। तो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो ये बताएगा कि कहाँ से मेरा ईमेल आईडी कॉम्प्रोमाइज हुआ था। तो कैनवा नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पर टेम्पलेट से सब बनाए जाते हैं, तो मैंने वहाँ रजिस्टर किया था, तो वहीं से मेरा ईमेल आईडी पाउंड हुआ था। इसके बाद मैंने अपनी ईमेल आईडी चेंज कर दी। तो मैं यहाँ पर एक नई ईमेल आईडी डालकर ट्राई करता हूँ, जिसे मैंने अभी कुछ देर पहले ही बनाया है। गुड न्यूज़, नो पाउनेज फाउंड। तो ये एक नया ईमेल आईडी था, इसे मैंने कहीं रजिस्टर नहीं किया था, इसलिए अब तक पाउंड नहीं हुआ। अगर आप पासवर्ड पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे पासवर्ड चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना करंट पासवर्ड डाल रहा हूँ। तो मेरा पासवर्ड अभी तक किसी भी डेटाबेस या किसी साइट से ब्रीच नहीं हुआ है। अगर हम यहाँ पे एक नॉर्मल कॉमन सा पासवर्ड डालते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो आप देख सकते हैं ये पासवर्ड कितनी बार कॉम्प्रोमाइज हुआ है। इसलिए हमेशा ये सजेस्टेड रहता है कि कोई भी कॉमन पासवर्ड यूज़ ना करें। यहाँ पे ये सारे पासवर्ड सेव है जो इस वेबसाइट में है। इन्हीं वेबसाइट्स इन्हीं फाइल्स को डाउनलोड करके डिक्शनरी अटैक्स किए जाते हैं, जिससे पासवर्ड का पता लगाया जा सकता है। इसलिए हमेशा सजेस्टेड रहता है कि कॉमन पासवर्ड यूज़ ना करें, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, क्वाटी, ABCDEFG। हमेशा एक ऐसा पासवर्ड बनाएं जिसमें एक न्यूमरिक, एक अल्फ़ाबेट, लोअर केस, अपर केस, स्पेशल कैरेक्टर ज़रूर हो। इससे आपके पासवर्ड की सिक्योरिटी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। सो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में।